नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है। सब लोग एग्जाम दे ही दिए होंगे, सब लोग ठीक ही होंगे, ऐसा हम आशा करते हैं। और कुछ ज़रूरी जानकारी जो आप लोग को देनी थी वो यह कि अभी जो है ज़्यादातर जो है स्कूलों में जो है पैसों का एक खेल या मनमाना है जो चलता आ रहा है, जो देखा जा रहा है, उस पर रोक लगना चाहिए। और समझदारी से अगर स्टूडेंट, समझदारी से उनके गार्जियन अगर इस बात से सजग रहेंगे और भी वो बेहतर और अच्छा माना जाएगा। अभी क्या है कि ढेर सारा फॉर्म जो है भरा रहा है, देखा जा रहा है, जाना जा रहा है सभी तरह से। और इसी में सबसे पहला जो आता है, अभी जो जोरों पर मान लीजिए दसवां का जो है परीक्षा फॉर्म जो है भरा रहा है, दसवां का परीक्षा फॉर्म भरा रहा है, ठीक है, सभी बच्चे काफ़ी उत्साह से उसमें भाग भी ले रहे हैं। लेकिन सरकार क्या कहती है, जनरल कैटेगरी जो है, सामान्य वर्ग के जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उनका जो है फीस जो है रखा गया है 1010 रुपये, 1010 रुपया जनरल कैटेगरी का फी रखा गया है। और दूसरी तरफ जो है रिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनका 895 रुपया है क्लास टेंथ के लिए। जबकि दूसरी तरफ अगर देखिएगा तो क्लास ट्वेल्थ के लिए जो है यह फीस जो है 1400 रुपया आपका आता है। तो ये हुआ आपका फी के बारे में। अब जिन बच्चों को जानकारी नहीं हो फिर से जान लें कि 1010 रुपया जो है सामान्य वर्ग के लिए फीस है और अन्य कैटेगरी के लिए, अन्य जाति के लिए जो है 895 रुपये ही। और क्लास 12वीं में अगर आप एग्ज़ाम फॉर्म वगैरह भर रहे हैं तो उसमें आपका 1400 रुपया तय किया गया है। इसके अलावा क्या किया गया, कई तरह का अन्य भी चीज़ में देखा जा रहा है कि बिल्कुल भी जो है यह भी देखने को आ रहा है कि जैसे नामांकन शुल्क है उसके नाम पे बहुत सारा जो है हलूल जुलूल जो है फीस भी लिया जा रहा है। चलिए उसके बारे में बता देते हैं क्या सब है। सबसे पहले अगर देखिएगा तो दसवां में जो है विकास शुल्क यानी स्कूल का जो डेवलपमेंट हो इसके लिए जो है 80 रुपया लिया जाता है, ठीक है। विकास शुल्क कितना लिया जाता है, 80 रुपया लिया जाता है। स्थानांतरण शुल्क यानी अगर आप TC ले रहे हैं तो उसके लिए अभी कोई इसमें शुल्क नहीं लिया जाता है, नवा में लिया जाता है लेकिन इसमें नहीं लिया जाता है। उसी तरफ में विज्ञान शुल्क हुआ, विज्ञान का मान लीजिए प्रैक्टिकल करते हैं, प्रयोगशाला करते हैं, उन सब चीज़ों के लिए जो थोड़ा सा काम आ गया था। चलिए फिर से देखिए, विकास शुल्क जो है वो आपका 80 रुपया लेना है दसवां में, जो स्कूल का फीस है इसमें किसी भी तरह का जो है प्रवेश शुल्क जो है नहीं लगता है दसवां में। शिक्षण शुल्क है वो भी आपका नहीं लगता है। स्थानांतरण शुल्क है यानी TC लेने का जो है वो भी आपका 1 रुपया नहीं लगेगा। विज्ञान शुल्क है यानी अगर कोई प्रैक्टिकल वगैरह करते हैं तो उसके लिए सिर्फ सरकार ने 10 रुपया तय किया है। इसके अलावा अनुपस्थिति दंड है, कुछ किसी भी तरह का नहीं है कि अनुपस्थित हो गए तो दंड देना, ऐसा नहीं। विलम्ब दंड शुल्क यानी लेट फाइन वगैरह कुछ भी नहीं है। पलायन शुल्क है वो भी नहीं है। पुनः प्रवेश शुल्क यानी री एडमिशन के नाम पर भी कई जगह पैसे लिए जाते हैं, वो भी ऐसा नहीं है। तो फिर किस चीज का शुल्क लिया जाएगा, क्रीड़ा शुल्क है, खेलने का शुल्क। कई जगह देखा गया है कि खेलने के नाम पे पैसा तो आ रहा है लेकिन स्कूल में उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। चूना ही अगर आ रहा है तो स्कूल के शिक्षक ही खुद ही अपने पैसों से ला रहे हैं और खेल के नाम पे बस रोना धोना रहता है कि भाई मैंने पैसा तो आता ही नहीं, खेल के लिए पैसा ही नहीं है, पैसे खत्म हो गए। जबकि हर एक साल स्कूल के विद्यार्थी से, दसवां वाले विद्यार्थी से, सभी विद्यार्थी से, नवा दसवां सभी विद्यार्थी से जो है खेल के नाम से भी पैसा लिया जाता है, यानी 20 रुपया एक बच्चे पर खेल का शुल्क के नाम पर लिया जाता है। 20 रुपया जो मनोरंजन शुल्क के नाम पर लिया जाता है। कई बार यह देखा गया कि 15 अगस्त हो रहा है उसमें बच्चे भाग ले रहे हैं तो उस बच्चे को है डेमोरलाइज किया जाता है कि भाई आप जो है सो क्यों जो है सो खेल रहे हो, जो पढ़ता है उसी को भाग लेने दीजिए डांस वगैरह में या गाने में। जबकि ये दोनों अलग चीज़ हैं, जिस तरह से खेल ज़रूरी है, मान लेते हैं कोई विद्यार्थी पढ़ने में कमज़ोर है, इसका मतलब यह तो नहीं कि वो मनोरंजन में भी जो है सो उसमें
कला क्षेत्र में भी वो कमजोर हो जाए, या इसमें कोई क्राइटेरिया तो नहीं बन रहा है कि भाई जिसको पढ़ने में तेज नहीं है इसलिए सो कला क्षेत्र में भी विकास नहीं हुआ, जो बिल्कुल ही निगेटिव चीज़ है, दोनों ही दो अलग चीज़ हैं। ये उसी तरह से हो गया जिस तरह से कोई गणित का छात्र है सो गणित नहीं पढ़ने आता तो उसको इसलिए रोक दिया जाए कि तुम विज्ञान पढ़ने से इसलिए रोक दिया जाए क्योंकि वो विज्ञान पढ़ गणित नहीं आता है। उसी तरह से मनोरंजन शुल्क जो है 20 रुपया लेना है। इसके अलावा एक निर्धन छात्र कोष है, कई गरीब बच्चे सब हैं तो उनकी मदद करने के लिए भी 10 रुपये लिए जाते हैं मदद के लिए। निर्धन छात्र शुल्क तो ले लिया जाता है लेकिन बाद में उसको मदद करने के लिए यानी किसी गरीब को जो है स्कूल की तरफ से कोई भी ऐसा कुछ नहीं रहता है। इसके अलावा विद्युत शुल्क है, यानी जो स्कूल बिजली जलाती है उसके नाम से विद्युत शुल्क भी वसूला जाता है सरकार की तरफ से 9वीं से 12वीं तरह के बच्चों के लिए 20 रुपया। पुस्तकालय है, पुस्तकालय के नाम पे किसी भी तरह का कोई इसमें नहीं है लिया जाता है शुल्क। इसके अलावा विद्यालय रख रखाव है, यानी विद्यालय रख रखाव उसको पेंटिंग डेंटिंग फूल पौधा लगाना सफाई करना ये सब सारा उसमें रख रखाव में चूना रोग रगन करना ये सब भी उसके नाम पर भी 50 रुपया लिया जाता है। लेकिन देखा क्या जाता है कि वो रख रखाव के लिए विद्यालय रख रखाव के लिए पैसा 50 रुपया आप जमा तो कर रहे हैं, क्लास बिल्कुल भी साफ नहीं हो रहा है, पूरा गंदगी फैला हुआ है, बेंच के नीचे गंदगी फैला हुआ है, इधर डेस्क के नीचे गंदगी फैला हुआ है, बरामदा पूरा गंदगी से भरा हुआ है, ना ही कोई बैठने की सही व्यवस्था है, पूरा झोल मकरा लगा हुआ रूम में। ये भी है रख रखाव के लिए 50 रुपया लिया जा रहा है लेकिन ना ही पेंटिंग हो रहा है ना ही डेंटिंग हो रहा है, जब विद्यालय बना उसी समय तक पड़ा हुआ। परिचय पत्र के नाम पर जो है वो भी आप कई स्कूल में लिया जाता है कई में नहीं लिया जाता है। इसके अलावा बालचर है, बालचर बच्चों के लिए आता है वो भी है, विविध है, फॉर्म प्रोस्पेक्टस के लिए भी नहीं लिया जाता है। परीक्षा शुल्क जो है आपका 120 रुपया है, ठीक है, यानी कुल अगर देखिएगा तो आपका स्कूल के नाम पे जनरल जो है बीसी ईबीसी जो भी कहते हैं उनको टोटल 340 रुपया देना है और SC ST वाले को 260 रुपया देना है। इस तरह से अगर जोड़िएगा 1010 और 340 यानी कितना हो गया 1350 रुपया आपको कुल जनरल वाले को देना है बीसी वाले को, और बाकी जो है इधर 950 है इसमें 260 रुपया जोड़ दीजिए, 900 2 1100 और 1210 रुपया इधर आपको देना है। तो इस ईएफ का फी का स्ट्रक्चर है तो, और इसका टोल फ्री नंबर भी है वो हम डाल देंगे इसके डिस्क्रिप्शन में। अगर कोई ऐसा देखते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा फी लिया जा रहा है, ये सरकार ने जो तय किया है उससे ज़्यादा लिया जा रहा है, तो आप टोल फ्री नंबर से भी आप फ़ोन करके कंप्लेन कर सकते हैं, गूगल क्रोम पर अवेलेबल है, टाइप करिएगा बिहार शिक्षा विभाग कंप्लेन तो अपने आप ही उसमें आपका सारा उसमें नंबर आ जाएगा, वैसे हम इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, धन्यवाद, और बाकी हम लोग बाद में बात करते हैं।